गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 7 नगर प्रशासन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये चैनल है आपका नीलेश एकेडमी, इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम जो है अब चैप्टर 7 को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका चैप्टर 7 है नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन में इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमने चैप्टर 6 में देखा था जो कि गाँव का प्रशासन था, तो उसमें हमने डिस्कस करा है ऑलमोस्ट कि आखिरकार किस तरीके से गाँव का प्रशासन या गाँव में प्रशासन होता है। अब सेम इट इज जो है हम नगर क्षेत्र की बात करें तो नगर क्षेत्र में क्या होगा कि जैसे आपको पता है कि लेवल ऑफ गवर्नेंस की अगर हम बात करें, या मैं बोलूं कि पूरा जो भारत है वो सभी जो राज्य होते हैं उनमें सभी राज्य जिले में डिवाइडेड होते हैं, और सभी जिले तहसील में डिवाइडेड होते हैं, एंड सभी तहसील क्या के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, गाँव या ग्राम आते हैं। और हमने इन लेवल पर अधिकारी को भी डिस्कस करा है पिछले चैप्टर में। तो अब हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो है नगर प्रशासन, डेट मीन्स शहर की बात हम करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से शहर में प्रशासन होता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि शहर क्या होगा, अलग अलग वार्डों में बटा होगा। किस में बटा होगा, ये अलग अलग वार्डों में बटा होगा शहर, और हर एक वार्ड का एक प्रतिनिधि होगा जिसको हम पार्षद के नाम से जानते हैं। अब ये जो पार्षद, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हर एक वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होगा, क्या होगा, पार्षद का चुनाव होगा। अब ये जो पार्षद रहेगा इसके अंतर्गत क्या आएगा कि जो भी वार्ड में कई प्रकार की जो समस्या होती, चाहे वो नाली के रूप में हो, कचरे के रूप में हो, या तारों के रूप में हो, तार डेट मीन्स बिजली के जो तार लटकते हैं उस रूप में हो, तो ऐसे जो भी वार्डों में जो भी समस्या रहेंगी वो स्थानीय लोग किसके पास आएंगे, तो वहाँ के स्थानीय लोग सबसे पहले ये पार्षद के पास अपनी समस्या लेकर आएंगे, या मैं बोल दूँ उस समस्या का समाधान होने की जिम्मेदारी भी कौन होगी उस वार्ड की, तो वो पार्षद की ही होगी। तो वार्ड के लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली किसके पास आएंगे, पार्षद से संपर्क करेंगे या पार्षद के पास आएंगे। उदाहरण के रूप में यदि हम देख लें, जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बोला, उदाहरण के रूप में क्या हो जाएगा, बिजली के तार। तो उदाहरण के रूप में क्या हो गया, बिजली के तार। तो बिजली के तार क्या होते हैं, कई स्थानीय लोगों के या कई घरों के यहाँ पर समस्या होती है कि बिजली के तार जो हैं वो झूल गए हैं, तो वो क्या करेंगे, जैसा कि आपको इस चैप्टर में बताया गया है, तो ये जो पार्षद रहेगा वो स्थानीय लोगों के साथ क्या करेगा, जो बिजली अधिकारी है उसके पास जाएगा और स्थानीय लोगों की समस्या का निदान करने में उनकी सहायता भी करेगा। कौन, पार्षद। तो पार्षद यहां पर क्या करेगा, वार्डों में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करेगा। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर हो जाता है नगर प्रशासन। अब हम इसमें बात कर लेते हैं, जैसे कि इस चैप्टर में आपको नगर प्रशासन में कई सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी, जैसे कूड़ा कचरा कहाँ फेंकना है, तारों की समस्या लेके, स्कूल, नालियों आदि, ये जो समस्याएं रहेंगी इसके निदान के लिए हम क्या पढ़ेंगे, हमारा नगर प्रशासन जो रहेगा चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं गंदगी की, गंदगी डेट मीन्स इस चैप्टर में देखा होगा कि एक जो लड़का रहता है कि वो गंदगी की वजह से, डेट मीन्स बड़े बड़े जो पॉश एरिया रहते हैं वहाँ तो कूड़ा कचरा कलेक्ट करने के लिए गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन जो नीचे इसके लेवल होते हैं या निम्न झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं वहाँ पर कूड़ा कचरा कलेक्ट करने के लिए नहीं आती हैं। तो नगर प्रशासन की यहाँ पर जिम्मेदारी होती है क्या कि जो कचरा इकट्ठा किया जाता है वो एक जगह डंपिंग जोन जिसे हम बोलते हैं वहाँ पर जाकर प्रॉपर उस कचरे को डिस्ट्रॉय करे। तो ये सारी जिम्मेदारी भी किसकी होंगी, तो वो नगर प्रशासन या नगर पालिका के अंतर्गत आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं ऐसी, इसमें एक समस्या का डिस्कस की गई है जो कि 1994 में यानी कि 1994 में सूरत शहर में होती है। तो 1994 में सूरत शहर में क्या होता है, तो 1994 में ये होता है प्लेग फैल जाता है। क्या फैल जाता है, प्लेग, जो बीमारी है वो फैल जाती है। अब ये जो प्लेग बीमारी जो होती है वो कैसे फैलती है, तो प्लेग बीमारी क्या होती है, एक तो हवा में,
एक तो हवा में फैल जाती है प्लेग, और क्या होता है, छुआछूत। छुआछूत के द्वारा भी प्लेग जो होता है वो फैलता है। इस वजह से यहां पर क्या होता था कि जो लोग होते थे उनको एक दूसरों से अलग रखा जाता था, ताकि जो है वो एक दूसरे के संपर्क में ना आकर प्लेग जैसी समस्या या प्लेग जैसी बीमारियां का से ग्रसित ना हो जाए। इस वजह से उनको लोगों को एक दूसरे से अलग किया जाता था। तो ये जो बीमारियां होती थी ये किस वजह से होती थी? ऑब्वियसली बात है, गंदगी की वजह से होगी। कूड़ा कचरा स्थानीय लोगों का आजू बाजू में फिका रहेगा, फेंकेंगे, इस वजह से भी क्या होगी यहाँ पर गंदगी, या गंदगी की वजह से प्लेग जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो इसमें बताया गया है कि सूरत जो है भारत के सबसे गंदे शहर में से एक था। क्या था? सबसे गंदे शहर में से एक था। लेकिन प्लेग के डर से या प्लेग जैसी बीमारी की डर से यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया कि जो नगर निगम जो है वो मुस्तैदी से काम करे। डेट मीन्स एक कड़क प्रशासन के थ्रू जो है नगर निगम वहां पर काम करे। जो कि आज की डेट में यदि हम बात करें तो चंडीगढ़ के बाद, डेट मीन्स चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहर में से दूसरा स्थान जो है वो सूरत का ही है। कहाँ एक तरफ जो था सूरत सबसे गंदा शहर था, वहीं दूसरी तरफ आज की डेट में यदि हम बात करें तो भारत देश में दूसरा स्थान सूरत का ही सबसे साफ शहर आपको देखने को मिलेगा। तो हम जो है इस चैप्टर में इतना ही डिस्कस करने वाले हैं नगर प्रशासन के अंतर्गत। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप मेरे नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।